अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेज पे बुकिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी सर्विस के लिए अगेंस्ट बुकिंग कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद एक मैंने ये डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग पेज बनाया हुआ है जिस पे हम बुकिंग ऐड करेंगे। पेज पे आए आप, इधर राइट कॉर्नर पे आप चेक कर सकते हैं ऐड अ बटन, इस पे क्लिक करें और बुक नाउ पे क्लिक करें। इसके बाद आप अपॉइंटमेंट्स ऑन फेसबुक पे क्लिक करें, नेक्स्ट क्लिक कर दें। आप आगे इधर टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पर्टिकुलर टाइम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से। मैं बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें आप यहाँ पे मल्टीपल अपॉइंटमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड मैनुअल अप्रूवल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपको अपॉइंटमेंट आए वो बुक आप इंस्टेंटली कर लें, आप इसको रिव्यू और कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आप इसके लिए बुक इंस्टेंटली का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिक्वायर्ड मैनुअल अप्रूवल पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आप इसमें कनेक्ट गूगल कैलेंडर के थ्रू भी आप इससे सिंक कर सकते हैं, तो जो सी अपॉइंटमेंट्स होंगे आपके गूगल कैलेंडर पे भी सिंक हो सकती हैं। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रिव्यू सर्विस पे क्लिक करते हैं और ऐड सर्विस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सर्विस का नाम दे देंगे, सपोज बुक आ ड्रेस। इसकी कीमत आप कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि कस्टमर अपनी वेरिएबल बता दे कि उसकी किस रेंज में उसे ड्रेस चाहिए, अदरवाइज आप इसकी फिक्स प्राइस भी रख सकते हैं। हम इधर कर सकते हैं आज दी कस्टमर और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल भी साथ बता सकते हैं। यहाँ पे हमने डिटेल्स की एंटर कर दी, उसके बाद कोई भी अगर साथ में फोटोज के अगेंस्ट ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं इधर से एक स्नैप सेलेक्ट करता हूँ, इसको आप पार्टी में ब्राइडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन आपसे, क्योंकि इसके अगेंस्ट ड्यूरेशन कोई है नहीं तो इसलिए आपसे अनसेलेक्ट कर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर दें। डन। अभी पेज रीलोड हो रहा है। अब देखें इधर कैलेंडर की ऑप्शन भी आ गई है। अब हम इसके बाद 12 पेज पे जब जाते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए बुक नो की ऑप्शन आ गई। बुक नो पे हम कोई भी टाइम रैंडमली सिलेक्ट कर लें और ये फ़ोन नंबर को एंटर करेंगे। ये देखिए इधर आप जब रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट करेंगे तो ये आपकी बुकिंग हो जाएगी और ये कंसर्न पार्टी को इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब नोटिफिकेशन किस तरह आता है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसमें स्विच बैक करेंगे,
अब आप देखें तो यहाँ आपको ये इनबॉक्स में इसकी रिक्वेस्ट आ चुकी होगी। देखिए मैंने ये अपने नाम से सेंड किया था तो इसकी रिक्वायरमेंट सारी आ गई है, डेट रिक्वेस्टेड, टाइम और जो नंबर मैंने ना एंटर किया था, और उसके बाद एडिशनल नोट्स इसके आ गए। तो आप इसके टेलीफोन नंबर के थ्रू अपने क्लाइंट से रابطہ कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिस तरह आप एक किसी भी पेज पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।